हमास पर हमले के बीच इजराइल की सड़कों पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों की सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। ये पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि इजराइल की सड़कों पर ये क्या हो रहा है। दरअसल हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए 48 घंटों में 3,00,000 सैनिक जुटाए हैं। ये सभी इजराइल के रिजर्व सैनिक हैं। आपको बता दें कि इजराइल के पास 6,46,000 से ज्यादा जवान हैं। इनमें से 1,70,000 सैनिक किसी भी समय जंग के लिए तैयार रहते हैं। बाकी बचे हुए 4,50,000 सैनिक रिजर्व में होते हैं। आप जानते ही हैं कि इजराइल में देश के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है। पुरुषों को 2.5 साल तक सेना में रहना होता है, तो वहीं महिलाओं को 2 साल के लिए सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग से निकले कुछ लोग तो हमेशा के लिए इजराइल की सेना में भर्ती हो जाते हैं और बचे हुए लोग रिजर्व सैनिक बन जाते हैं। रिजर्व सैनिक आगे चलकर कोई भी पेशा अपना सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें देश की सेवा के लिए आगे आना पड़ता है। अब इसराइल के सामने एक बड़ी चुनौती आ चुकी है, इसीलिए हमास से लड़ने के लिए रिजर्व सैनिक सामने आ रहे हैं। इनमें से कोई पत्रकार है तो कोई आईटी के क्षेत्र में काम करने वाला, कोई सिंगर है तो कोई इसराइल का ही पूर्व प्रधानमंत्री है। यकीन नहीं आ रहा तो आप इन्हें देख लीजिए। ये हैं इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। ये भी हमास से जंग लड़ने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। अब इसी बीच सबको हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। हमास से लड़ने के लिए जब कई रिजर्व सैनिक टैंकों में जा रहे थे, तो इसराइल की सड़कों पर महिलाओं और बच्चों ने इन्हें रोककर खाना खिलाया, पानी की बोतलें दी और जीत कर आने का नारा भी दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं सड़कों पर ही खाना तैयार कर रही हैं। इसराइल के ही एक रिजर्व सैनिक ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मुश्किल घड़ी में पूरा इसराइल एक साथ खड़ा है। मैं लड़ने जा रहा हूं, लेकिन मुझे गर्व होता है जब मेरे ही देश के लोग मेरे साथ आकर खड़े होते हैं, मुझे पानी देते हैं, मुझे आइसक्रीम भी खिलाते हैं।